Hey guys, welcome to my channel. This is Fashion New Chetna और in this video मैं आप लोगों के साथ share करने जा रही हूँ Lakme 9 to 5 Pure Rose Blusher. मैं यहाँ पे आपको इस blush का review देने जा रही हूँ. ये बहुत ही अच्छा blush है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ share करूँ कि ये किस type से use कर सकते हैं इसे और इसका product quality और इसका price क्या है. तो चलिए मेरे video के साथ में start करते हैं और मैं आपको इस video में बताती हूँ कि ये blush कैसा है और इसके review आप लोगों के साथ share करती हूँ. सो गाइज, ये जो ब्लश है वो इस टाइप की गोल्डन पैकेजिंग के अंदर आता है, कार्डबोर्ड के अंदर. आप इसको नीचे से इस टाइप से पुश करोगे तो ये निकलता है और इसकी पैकेजिंग इस टाइप से आती है. इसमें ये कांच का फाइबर टाइप का कुछ कैप होता है इसका. इसको आप ओपन कर सकते हो. इस पर 9 to 5 लिखा होता है और ब्लशर लिखा हुआ है. इसके साथ में आपको एक ब्रश मिलता है. आप चाहें तो इससे भी ब्लश जो है अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास कोई एक्स्ट्रा ब्लश हो, ब्लश का जो ब्रश हो उससे आप अप्लाई कर सकते हो. और इसके पीछे जो है वो इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, इसका प्राइस लिखा होता है. गाइस, इसका प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, बट मैंने इसको डिस्काउंट के अंदर 353 रुपीज़ में अमेजोन से परचेस किया है. और इसमें जो मेरा शेड है वो है रोज क्रश. इसके अंदर जो है 3 शेड अवेलेबल हैं. मैंने जो अपना शेड परचेस किया है वो है रोज क्रश. तो बहुत अच्छा ब्राउनी कलर है. इसमें एक पीची शेड भी आता है, वो ऑरेंजिश पीची कलर होता है, बहुत लाइट ऑरेंज कलर. आप चाहे तो वो भी परचेस कर सकते हो. उसका कलर भी बहुत अच्छा, मैंने उसे यूज किया था. और अभी मैंने जो परचेस किया है वो रोज क्रश परचेस किया है. ये बहुत लाइट ब्राउन कलर ब्लश है. अभी मैंने अप्लाई कर रखा है, आप देख सकते हैं. आई थिंक आपको कैमरे में विजिबल होगा. तो ये बहुत लाइट न्यूड ब्लश बोल सकते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा कोई ब्लश चाहिए होता था. मार्केट में और आप जब परचेस करते हो, बिगनर्स होते हो या मेकअप करना स्टार्ट करते हो, तो यूजुअली आप पिंक कलर का ब्लश जो है वो यूज़ करते हो. बट मुझे कुछ अलग ब्लश ट्राई करना था, लाइक पीची कलर, ब्राउनी कलर. सो मैंने ये ब्लश ट्राई किया है, बहुत अच्छा है. और इसका जो पैकेजिंग है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. एकदम फ्लैट पैकेजिंग है और बहुत अच्छे से आप कैरी कर सकते हो. इसको ट्रैवल फ्रेंडली है, वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी इसकी. और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी पैराबिन फ्री है, तो काफ़ी अच्छी बात है. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है वो 3 ईयर तक चल सकता है अगर आप इसको चलाना चाहो तो. एक्सपायरी डेट जो है इसकी वो 3 साल के बाद में है, तो आप इसको 3 साल तक ईजिली यूज़ कर सकते हो. और इसकी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ. और इसमें थोड़ा शिमरी लुक आता है, ये इसकी पिगमेंटेशन. आई होप आपको कैमरे के अंदर दिख रहा होगा. ये ब्राउनी कलर है और इसमें थोड़े से शिमर, हल्का सा शिमर टच इसका आता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. अदरवाइज ये बहुत अच्छा मैट ब्लश है. उस मैट ब्लश के अंदर हल्का सा इसमें शिमर, बहुत लाइट शिमर है, जो बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक ये ब्लश जो है मेरी ड्रेस के साथ में बहुत अच्छा मैच हो रहा है. मेरी ड्रेस जो है वो पीच कलर की है, बट ये ब्लश जो है हल्का पीच कलर में भी आता है और हल्का ब्राउन कलर में भी आता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. आप देख सकते हैं. सो गाइज, ये था मेरा Lakme 9 to 5 ब्लश रिव्यू. अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. और गाइज, आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो. जो भी गर्ल्स हैं उनको कोई न्यूड कलर का ब्लश परचेस करने का सोच रही है, तो वो ब्लश जो है ये परचेस कर सकती है. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई फॉल नहीं होता है, सबसे अच्छी बात ये है. और कोई क्रैकी और पैची लुक नहीं देता है, तो काफ़ी अच्छा ब्लश है ये. बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके साथ में कोई मिरर नहीं आता है, तो आपके साथ में मेकअप का कोई मिरर हो तो आप उसे बेशक यूज कर सकते हैं. सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय बाय.